आज हम आए हैं 62 नोएडा में, तो मेरे साथ हैं विजय जी। मैं विजय जी से पूछना चाहूंगी कि वो कैब को लेके, जो कैब इतना ज्यादा प्रदर्शन हो रहा है दिल्ली वगैरह अहमदाबाद गुजरात में, वो उस पे क्या कहेंगे? तो विजय आप क्या कहना चाहेंगे कि जो कैब की वजह से इतने लोगों को जो नुकसान हुआ है, लखनऊ में इतने लोग गिरफ्तार हुए हैं, गुजरात में 8,000 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है, आप उसके खिलाफ आप फेवर में है या अगेंस्ट में है? नहीं नहीं, मैं इसके टोटली अगेंस्ट हूँ कि इस तरह के प्रदर्शन नहीं होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्ट, केवल 90% लोगों को फैक्ट बिल्कुल पता ही नहीं है कि हम प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। अच्छा, केवल उनको, अब वो आते हैं और ज्वाइन कर लेते हैं, उनको कुछ भी समझाया जाता है उसको बोल के वो ज्वाइन कर लेते हैं। वो भीड़ देखते हैं, वो सोचते हैं चलो हम भी इस प्रोटेस्ट में बैठ जाते हैं। ठीक है, और इसमें गवर्नमेंट के कितने संपत्ति को नुकसान हो रहा है। हाँ? पुलिस वालों को मारा जा रहा है, राइट? हाँ? और कितने लोग सफर कर रहे हैं, मेट्रो स्टेशन बंद हैं, लोग ऑफिस नहीं पहुंच पा रहे हैं, ऑफिसर निकल रहे हैं तो 3 बजे निकल रहे हैं, 7 बजे अगर निकल रहे हैं शाम को तो 3-3 बजे घर पहुंच रहे हैं। अच्छा। मेरे दो ब्रदर हैं यहाँ पे 135 में SCLM जॉब करते हैं, रात को हमारे पास स्टे किया बिकॉज ऑफ कालिंदी कुंज में एकदम बंद था मेट्रो स्टेशन बंद है, तो ये सब हो रहा है, ये बहुत ही गलत हो रहा है। अच्छा, जैसे अमित शाह बार बार एक ही इंटरव्यू में एक ही चीज बोल रहे हैं कि जो भी कैब की वजह से हुआ है उसको लेके भारत के किसी भी नागरिक को कोई भी परेशानी नहीं होगी। फैक्ट है ये, इसको किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, तो जैसे जामिया में जो भी आग के गोले आंसू हुआ गए, इसके जो भी गोले छोड़े गए या जो भी कुछ लाठीचार्ज, उसमें सब हो रहा है कि वो स्टूडेंट्स नहीं है, वो पुलिस है या वो विपक्षी पार्टी है, लाइक वो कांग्रेस या आपके जो लोग हैं वो करवा रहे हैं, उसमें बीजेपी का कोई हाथ नहीं है, ना ही जामिया के कोई स्टूडेंट्स का हाथ है। नहीं नहीं, ये मैं ये नहीं बोलूंगा, किसी पार्टी का मैं नाम नहीं लूंगा कि उसमें कौन इन्वॉल्व है कौन नहीं है, बट ये सब लोग जानते हैं कि वो लोग वही कहीं ना कहीं उस पार्टी इन्हीं लोगों की जो हमारे नेता हैं लोग, ये कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट गलत देके भीड़ इकट्ठी करते हैं, और उसमें बहुत सारे लोग हैं वो स्टूडेंट्स भी हैं जामिया के, उसमें स्टूडेंट भी हैं उसमें ये लोग। अच्छा, तो आप कहाँ से आते हो विजय? मैं सेक्टर 99 नोएडा। अच्छा, सेक्टर 99। ठीक है, थैंक यू। आपका नाम? पुष्पेंद्र जी, आप क्या कहना चाहोगे जो कैब की वजह से जो इतना सब हो रहा है? आज ही योगी ने सुबह दिया है अपना स्टेटमेंट कि जिन जिन लोगों को मैंने गिरफ्तार किया है अगर वो इसमें होंगे, जिन्होंने पब्लिक, हाँ, तो उनकी नीलामी, उनकी प्रॉपर्टी जब्त जाएगी, नीलामी होगी, तो वो सही है या गलत? सही, सही कहा है, वो सही कहा, सही बिल्कुल सही होना भी चाहिए, क्योंकि जिसके पास प्रॉपर्टी होगी और जो भी जब कुछ भी कर रहे हैं तो एक बार सोचेंगे करने से पहले, जो भी बवाल कर रहे हैं कि हम किसके लिए जा रहे हैं, हमें कुछ पता भी नहीं है, और हम फालतू भीड़ में जाके और बसों में आग लगाए दे रहे हैं। अरे जो नुकसान हो रहा है उस भरपाई तो हम लोगों से होनी है। अच्छा, कांग्रेस ने जब 1971 में ये कैब लेके आए थे, उन्होंने जो पाकिस्तान से लोग आए थे उनको भारत की नागरिकता दी थी, तब कुछ नहीं बवाल हुआ था, लेकिन जब अब यही चीज बीजेपी सरकार कर रही है तो विपक्षी पार्टी क्यों इसके अगेंस्ट है, विपक्षी पार्टी क्यों बोल रहे हैं ऐसा? विपक्षी पार्टियों के जो सीकरे वाला वो था वो खत्म हो गया उनका, आगे से वो वोट बैंक का जो मैटर है ना वो ही है, जो वोट आते थे उनके सीटें आ रही, आगे से वो भी सीट नहीं आने की, आगे से वो सीट नहीं। तो आपको क्या लगता है कि जो मोदी ने ये किया है, क्या इसके बाद 5 साल बाद मोदी की दोबारा सरकार आएगी, लोग मोदी को वोट देंगे? ये सब जो दंगे फसाद हो रहे हैं, लोगों के दिल में परेशानियां हो रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, जो समझदार है वो समझते हैं कि इससे हमें नुकसान क्या है, हम इससे फायदा क्या है। 95% को ये पता ही नहीं है कि इससे नुकसान किसको है, वो जानते ही नहीं कि ये क्या है, फालतू में ही लोग दूसरी पार्टियां जो सरकारी हैं अपना जो काम कर रहे हैं वो करे जा रहे हैं। थैंक यू। तो ये मेरे साथ आज बहुत सारे लोग हैं, तो ये कह रहे हैं कि हम सब जो कैब की वजह से जो सब इतना सब दिक्कतें हो रही है वो सबके फेवर में है, तो आइए मैं इन सबसे पूछती हूँ आखिर ये क्यों है फेवर में, और ऐसा क्यों लगता है कि जो कैब जो मोदी सरकार लेके आई है वो सही चीज है? आपका नाम? संदीप। संदीप, संदीप आप क्या कहना चाहते हैं कि जो कैब की वजह से इतनी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं, गाजियाबाद में इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी गई हैं, लखनऊ में लोग गिरफ्तार हुए हैं, 20 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं, उस पर आप क्या, मतलब आप कहां से आते हो ऐसे? संदीप, मैं से बिलोंग करता हूं। नहीं, आप नोएडा से आते हो? अच्छा, तो आप उसके खिलाफ क्या कहोगे, मतलब क्यों, आपको क्या लगता है क्यों ठीक है कैब? मैम कैब ठीक है क्योंकि ये अगर इंडिया के कंट्री वाले अदर कंट्री में जाते हैं तो वहाँ नागरिकता उनको मिलती है, बट टाइम मिलती है, अदर कंट्री वाले आके इंडिया में बस जाते हैं, बहुत जल्दी उनकी नागरिकता भी मिल जाती है उनको सब, तो इसलिए मोदी ने जो भी कर रहा है अच्छा कर रहा है। मैम मोदी जो कर रहा है अच्छा कर रहा है। अच्छा,
आप क्या कहना चाहोगे, जैसे कि मैं आपके सामने पॉइंट रखती हूँ, जैसे जो बाहर से लोग आते हैं उनको नौकरी मिल जाती है, लेकिन जो भारत में इतने साल से रह रहे हैं उनको नहीं नौकरी मिलती, तो क्या इससे बेरोजगारी थोड़ी कम होगी? नहीं मैम, बेरोजगारी कम नहीं होगी, मोदी की सरकार में बेरोजगारी कभी भी कम नहीं हो सकती है। मोदी की सरकार कभी बेरोजगारी कम नहीं हो सकती है। अच्छा, तो जैसे जो लोग फेवर में नहीं है, आपने बोला था कि जो लोग फेवर में नहीं है आप उनको फेवर में ले आओगे इस कैब के, तो आप कैसे करोगे? जैसे फार्म वाले एग्जाम्पल, आप ही का दोस्त है, वो कल को कह रहा नहीं भाई मैं तो कैब के अगेंस्ट हूँ, तो आप ऐसा क्या करोगे जो फेवर में आ जाए? बच्चों को मार रहे हैं, तो ये ऐसा कह रहे हैं कि जो दोस्त मेरे अगर फेवर में नहीं होंगे तो मैं उनको वो कैब के फेवर में ले आऊंगा। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा, आपको कोई नारा लगाना था? बस भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी।